वाटिका में परीक्षा। आदम, देखो जब मैं इस नन्हे पक्षी को बुलाती हूँ वह आ जाता है। परमेश्वर हमारे लिए कितने भले हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ पर भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं, हाँ वह वर्जित है। किंतु हवा इस पर विचार करने लगती है। फिर एक दिन वह पेड़ के पास जाती है और उस वर्जित फल को निहारती है। शैतान सांप के रूप में आकर हवा की परीक्षा लेता है। क्या तुम्हें यकीन है कि परमेश्वर ने इस फल को खाने से मना किया है? ओह, इसे छूने से तुम नहीं मरोगी, देखा? और यदि तुम इसे खा लो तो तुम बुद्धिमान हो जाओगी, बिल्कुल परमेश्वर के समान। तुम ठीक कहते हो। और यदि यह फल मुझे बुद्धिमान बना देगा तो केवल एक बार खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। आदम, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, हम तो इसे छूते ही मर जाएंगे। और यह तुम्हें बुद्धिमान भी बना देगा। किंतु वर्जित फल के परिणाम सांप द्वारा किए गए वायदे से बिल्कुल अलग निकले। अचानक आदम और हवा को समझ आ जाता है कि उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा कर दी है। उनका भोलापन उसी समय समाप्त हो जाता है। हम बुद्धिमान नहीं हुए, केवल नंगे हैं। इन पत्तों से अपने आप को ढाँप लो, हमें छिपना होगा। वाटिका के सन्नाटे में परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आते हैं। मैंने इसे केवल इसलिए खाया क्योंकि जो स्त्री आपने मुझे दी उसने मुझे यह खिला दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नंगे हो? कहीं तुमने वह फल तो नहीं खा लिया जिसे मैंने खाने से मना किया था? जिस सांप को आपने सृजा उसने मुझे छला, क्योंकि तुमने मेरी अवज्ञा की है। इसलिए अब तुम्हें इस सुंदर वाटिका को छोड़ना होगा। अब से जीवित रहने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। परमेश्वर आदम और हवा के लिए जानवरों के चमड़े के वस्त्र बनाते हैं और उन्हें वाटिका से बाहर निकाल देते हैं। देखो, एक अग्निमय तलवार ने वाटिका के द्वार को बंद कर दिया। अब हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे?